गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा 10th क्लास का जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमको आज इस चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर में आप जैसा कि पढ़ चुके हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको देखने में हेल्प करती है। इसके बाद हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ रूल्स और इनकी कंडीशंस पढ़ी थी। आज हम कुछ इसी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हमारी कितनी होती है हमें पता होना चाहिए। कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है, सबसे पहले तो आपका प्लेन मिरर किस किस टाइप्स की इमेजेस बनाता है। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है हमारा, वर्चुअल इमेज बनाता है, बिल्कुल सीधी इमेज बनाता है और लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। तो प्लेन मिरर की जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है? इन्फाइनाइट होती है। यानी कि जो हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए वाला करेक्ट होगा, इन्फाइनाइट। जैसे आपका इमेज फॉर्म वाई प्लेन मिरर एज, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो कैसी बनाई जाती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्लेन मिरर आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है। सबसे पहले तो हमें इमेजेस का पता होना चाहिए कि इमेज हमारी कितने टाइप्स की होती है। इमेज जो होती है हमारी मेनली दो टाइप्स की इमेज होती है, एक आपकी रियल इमेज और दूसरी आपकी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होती है जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज होती है, या फिर आप कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज या इन्फानाइट से आने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद आपस में रियल में मिलती है। अगर मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज आपस में रियल में मिले तो इमेज होती होगी हमारी रियल इमेज। और अगर मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज आपस में रियल में नहीं मिलती, वो अपीयर होती है मिलती हुई, यानी कि उसे लगता है कि वो मिल रही है वो रियलिटी में नहीं मिलती, वो इमेज कौन सी होती है? हमारी वर्चुअल इमेज होती है। हमें हमेशा पता होना चाहिए कि रियल इमेजेस जितनी भी होती हैं वो सब उल्टी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, और वर्चुअल इमेजेस जितनी भी होती हैं वो सब सीधी होती हैं, यानी कि इरेक्ट होती हैं। तो हमें जैसा कि पता है कि प्लेन मिरर से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो आपस में रियलिटी में नहीं मिलती, वो मिलती हुई प्रतीत होती है। दे अपीयर टू मी, वो लगता है कि मिल रही है लेकिन वो आपस में रियलिटी में कभी भी नहीं मिलती। तो हमारा प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा कैसे बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना, वो रियल एंड इरेक्ट बनाएगा, यानी कि रियल और उल्टी। रियल इमेज कभी भी पहली बार तो उल्टी नहीं होती, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज और उल्टी इमेज प्लेन मिरर हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। जैसे कि पता है हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि जो हमारा प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारा कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, यानी कि जो लाइट है हमारी वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है। जैसा कि आपको पता है कि लाइट जब आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है या फिर वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। लाइट का नॉर्मल की तरफ झुकना या आपका नॉर्मल से दूर हटना, इसे हम क्या कहते हैं? लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसी रिफ्रैक्शन में दो कंडीशंस ये है हमारी कि लाइट कब आपकी नॉर्मल की तरफ झुक रही है या कब नॉर्मल से दूर हट रही है। तो इसके लिए हमें पता है कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है आपकी तब वो नॉर्मल की तरफ झुकती है, और लाइट जब आपकी डेंसर से रेयर में जाती है तब वो नॉर्मल से दूर हटती है। यहाँ पर पूछ रहा है कि लाइट जब आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होती है। रेयर मीडियम आपका मेनली वो मीडियम बोला जाता है जिसमें लाइट की स्पीड कंपेरिजन में फास्ट, जो दो मीडियम दिए हैं आपके उन दोनों मीडियम्स में जिसमें लाइट ट्रेवल फास्ट करेगी, जिसमें लाइट की ट्रेवलिंग फास्ट होगी वो क्या होगा? हमारा रेयर मीडियम होगा। और जिसमें लाइट की ट्रेवलिंग स्लो होगी, यानी कि लाइट स्लो ट्रेवल करेगी, वो क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा। अब कह रहा है लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तब इंक्रीज वेलोसिटी, तब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज वेवलेंथ, या बोथ भी है। यानी कि हमें बताना चाहिए पहली बात तो जब लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और नॉर्मल की तरफ झुकेगी तब वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज तो हो ही नहीं सकती। यानी कि हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डिक्रीज वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ
की डिक्रीज होगी, यानी कि जब वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी लाइट की, तो उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी। बी जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया कौन सा हो गया, डी वाला करेक्ट हो गया, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर को किससे नापते हैं, जो लेंस होते हैं उनकी पावर को मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर या फिर पर मीटर, यानी कि जो लेंस की पावर होती है उसे किससे नापा जाता है। हमें पता है कि लेंस की पावर को डायोप्टर से नापा जाता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि जो ऑप्टिकल हमारा फिनोमेना है तारों का टिमटिमाना, वो किसकी वजह से होता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तारों का टिमटिमाना सूरज का 2 मिनट पहले दिखाई देना या 2 मिनट बाद अस्त होना, ठीक है, मिराज का दिखना, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से दिखती हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखती हैं। और जो हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ये किसकी वजह से दिखता है, हमारा एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है, यानी कि एटमोसफेयर की वजह से जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, मीन्स लाइट जब आपकी लगातार एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती रहती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, फिर डेंसर से रेयर मीडियम में, लाइट जब आपकी लगातार मीडियम से चेंज करती रहती है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में आती जाती रहती है, तब क्या होता है एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन हो जाता है, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है लाइट अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाती है, लाइट अपने पास से हट जाती है, जिसकी वजह से हमें तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, एटमोसफेयरिक वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर, एक मिरर की कोई सा मिरर दिया है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है उसे। हमें हमने बताया है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाय 2 होता है, मीन्स किसी भी मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होती है, आधी होती है, या फिर आप यहाँ से लगा सकते हो आर इक्वल क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा। जब उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी कितनी दे रहा है, 20 सेंटीमीटर की दे रहा है, तो हम इजीली यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेंगे, फोकल लेंथ हमारी कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी, मीन हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका द ऑप्टिक्स इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ऑप्टिक्स में वो ऑब्जेक्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स में जिनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है हम उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं, यानी कि इसका हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरीके से हम आगे और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, आपको जो एमसीक्यूज भेजे गए हैं आप